अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट एप्स जी। तो आज का जो छोटा सा ट्यूटोरियल है, इस पर काफ़ी मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक ही स्प्रेडशीट कंपोनेंट के साथ हम पूरा जो टेबल का डाटा है कैसे गेट कर सकते हैं। सो आज आपको वही बताऊँगा, एक सिंपल सा मेथड है। पहले हम इसको जितने कॉलम होते थे मुझे लेते थे इसके स्प्रेडशीट, लेकिन उस पर एक तो थोड़ा टाइम लगता था डाटा गेट करने में, और इससे जो ये प्रोसीजर है इससे जो है डाटा बड़ी जल्दी गेट हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आपका कोई आप ड्राइव स्टूडियो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या कोई उसको रीसिकेंट स्किन करना चाहते हैं, iOS एप्लीकेशन एनीथिंग, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑफिस बनाया अपना, सो अब हम हर किस्म का काम जो है यहाँ पर करते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। यहाँ पर आप देखें पहले कि एक सिंपल स्क्रीन है, वन स्क्रीन, इस पर मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट ली हुई है, ठीक है, और हाइट विद इसकी फिल पैरेंट है। इसके अलावा एक कॉलेंट्री लिस्ट भी ली है मैंने, एक्सटेंशन है ये, और एक सेपरेट का कंपोनेंट लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी एपीआई की, इसकी बेस आईडी और टेबल नंबर हमें दिया हुआ है, टेबल नेम जो भी है वो उसका हम यहाँ पे दे देंगे। अब हम चलते हैं ब्लॉक्स में। इसमें जितने भी आपके कॉलम हो, अभी फिलहाल मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वो तीन के साथ कर रहा हूँ। जैसा कि अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ अपने इसके अंदर, सो ये वाली जो मेरी न्यूज़ ऐप थी पुरानी, मैंने उसी पे इसकी वर्किंग की है, ठीक है, उसी में से एक कॉलम को लेके जो है मैं गेट कर रहा हूँ। सो ये जो है न्यूज़ ऐप, इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। देखें ये न्यूज़ ऐप है, इसमें ये फर्स्ट कॉलम में टाइटल है, इसमें इमेजेस है, न्यूज़। इसके अलावा जितनी एप्लीकेशन है, चाहे वॉलपेपर की हो, चाहे न्यूज़ की हो, चाहे कोई भी जिसमें इमेजेस यूज़ हो रही हैं, ये इमेजेस जो है क्लाउडनरी से अपलोड की थी मैंने, ठीक है। सो क्लाउडनरी फ्री में जो एक आपको लिमिट देते हैं, सो जब उस अकाउंट में लिमिट कंप्लीट हो जाए तो हो जाएगी आपकी, जैसे कि मेरे अकाउंट की होगी है, तो देन आपको ये इमेज जो है वहाँ पे शो नहीं होगी। सो इसमें अगर आप कि मेरे किसी एप्लीकेशन में अगर कोई इमेज शो नहीं हो रही है, डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मेरे से उससे क्वेरी ले सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मैं अपडेट कर दूँ, लेकिन इनकेस फिर भी कोई एप्लीकेशन रह जाती है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये मैंने फिर टेबल वन से डाटा लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि आपको पता है हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं उसके लिए हम पहले वेरिएबल बनाते हैं, जितने कॉलम होते हैं उतने वेरिएबल बनाते हैं, ताकि ये क्रिएट खाली लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए। अब एक मैंने इनिशियलाइज एक और ग्लोबल वेरिएबल लिया, इसको मैंने कॉलम का नेम दिया हुआ, आप चाहे इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, आईडी लिख दें यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी इसको आप नेम जो आप देना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कोई भी यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ठीक है, मैंने आईडी नेम कर दिया। सो ये हर जगह पे आईडी नेम होगा, सो इससे कोई डिपेंड नहीं करता, इसको आपने जीरो पर रखना है। अब जब इनिशियलाइज हो रही है तो मैं गेट कॉलम कर रहा हूँ पहला टाइटल, ठीक है, पहले कॉलम टाइटल के साथ, और जो इनिशियलाइज जो ग्लोबल आईडी है इसको मैंने सेट ग्लोबल आईडी कर दिया वन, ठीक है। अब जब ये यहाँ से वैल्यू गेट कर लेगा, गोट कॉलम करेगा, तो हमने इन तक कंडीशन लगा दी इफ देन वाला ब्लॉक, ठीक है। और ये जो इज इक्वल टू ये मैथ वाला ब्लॉक है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर ग्लोबल आईडी, ये जो आईडी है ये इज इक्वल टू वन है, ठीक है। सो जैसे कि हमने यहाँ इसको वन कर दिया, अब ये वन इक्वल होगी तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहले वैल्यूज गेट की थी पहले कॉलम की, उसको उस वेरिएबल में स्टोर कर देना है, ये जो टाइटल है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेट ग्लोबल टाइटल मिल जाएगा। सो इसके अंदर हमने टाइटल वाले कॉलम की सारी वैल्यू स्टोर कर दी, और उसके बाद दोबारा से हमने इमेज वाली कॉलम की वैल्यू गेट की उसी कंपोनेंट से, ठीक है। देन हमने ग्लोबल आईडी की वैल्यू को अपडेट कर दिया मैनुअली टू पे, ठीक है। अब एल्स इफ दोबारा वो चेक करेगा कि अगर ग्लोबल आईडी टू के इक्वल होगी तो क्या करेगा, वो इमेज वाली वैल्यू को स्टोर करके आपके जो थर्ड होगा कॉलम उसकी वैल्यू को गेट करेगा, जैसा कि न्यूज़ के नाम से वो कॉलम है, और हम इसको फिर थ्री आईडी इसके अपडेट करके थ्री कर देंगे। अब जब फिर थ्री के इक्वल होगा तो हमारे पास कॉलम अब तीन ही थे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबल न्यूज़ पे क्या कर देंगे, वैल्यूज न्यूज़ वाली स्टोर कर देंगे। उसके बाद जैसा कि कॉलेंट्री लिस्ट वीव का एक प्रोसीजर है किसी भी लिस्ट वीव का, कि हम उसके लिए एक लूप चलाते हैं, ठीक है, इसमें पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इनिशियलाइज अरेंजमेंट कराए हैं, किस अरेंजमेंट हम जो अपना डाटा शो करना चाह रहे हैं। सो ये वर्टिकल अरेंजमेंट मैंने ली थी एक, उसमें इसको शो करवाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने एक लोकल लिस्ट बना लिया उसके अंदर एम्प्टी, ठीक है, ताकि ये जो लूप चलेगा उसकी वैल्यूज को मैं उसके अंदर ऐड कर सकूँ। सो ये एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन करके लेंथ ऑफ लिस्ट कौन सी है, ये जितनी भी वैल्यूज इसके हैं टेबल में पड़ी हुई, ठीक है, उसकी उस लेंथ तक जो है इसके वन बाय वन वैल्यूज का लूप चलता रहेगा। इसके बाद हमने ब्लॉक लिया एड आइटम टू लिस्ट,
और जो खाली लिस्ट बनाई थी इसी लिस्ट हमने यहाँ लगा दी। अब इसके अंदर हमने सारी आइटम इसके अंदर इंटर कर लेनी है। क्वालिटी लिस्ट में हमेशा इमेज को हम फर्स्ट टॉप पे जो है लगाते हैं, क्योंकि इमेज इसके अंदर हमेशा पहले से आती है। और इसके बाद इमेज और ग्लोबल नंबर हम ये जो नंबर है ये यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह सेम जो है टाइटल के लिए और न्यूज़ के लिए। उसके बाद जब ये पूरा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये जिस लिस्ट में हम वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे थे उसको हमने क्या किया, सेट कॉलम ट्री लिस्ट भी डॉट सेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट, ये जो लिस्ट में हमने वैल्यू स्टोर की है लिस्ट हमने इसको दे दी यहाँ पे, किसको इस लिस्ट को शो करवाए। और इस लिस्ट को शो करवाने के बाद जो है आपके पास डाटा बड़ी जल्दी जो है उसके अंदर लिस्ट के अंदर शो हो जाता है। तो उसके बाद बैक पेज करेंगे स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसके क्लिक के बाद भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, इस डाटा को आगे कहीं शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप वो मेरे चैनल पर लाजमी देखें, क्वालिटी लिस्ट वाली भी और मल्टी डाटा फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, वो भी आप लाजमी देखें। इसके अलावा गुड न्यूज़ ये है कि मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी आपके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन जो आप लाना स्टार्ट करूं, ताकि आप एक्चुअल में उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। सो होपफुली आपको छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।